तो मेरा मेन रीज़न था ये कैमरा और ये माइक लेने का, वो है मोटो व्लॉग करने के लिए। अगर आप बारिश में अगर आप गोप्रो से व्लॉग करोगे तो आपको पता ही होगा ये हमारा जो मीडिया मोड है ये कुछ आता है 7,500 का। उसके बाद उसके अंदर आगे हमें माइक लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये अंदर जाएगा, अंदर माइक भी वो थोड़ा गीला होने के बाद उसका आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता, तो ये पूरा जो अगर समझो भीग गया तो ये 7,500 का खर्चा अलग से। फाइनली आ गया है हमारे हाथों में DJI Action 4 फाइनली। सो बेसिकली आप देख सकते हो ये जो है ट्रांसमीटर, तो उसका माइक है, माइक के ऊपर यहाँ पे आप 1.5 कैट भी लगा सकते हो। सो गाइस अभी हम चेक कर रहे हैं हमारे माइक का यहाँ पे कैसे आ रहा है अगर हमने प्लास्टिक के इसमें अगर व्लॉग किया। सो गाइस आपको ये नाइट का ये जो वीडियो है ये कैसे व्यू आपको दिखाई दे रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइस यहाँ का नज़ारा देखिए, सामने जो हो रहा है ये पूरा ना फॉग जमा हो रहा है, और ये देखो बारिश भी आ गई है। इसी बारिश को एंजॉय करते हुए हम जाने वाले हैं घर पे। सो गाइस इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए कैमट्रॉनिक्स इंडिया जो कि है फोर्ट में, जहाँ पे हमारा कैमरा गली है, वहाँ पे आपको हर तरीके के जो शॉप मिलते हैं कैमरा के लिए। और यहाँ पे आने का एक मेन रीज़न है, आज हमने लिया है ये देखिए क्या लिया है, DJI Osmo Action 4 और ये है एडवेंचर कॉम्बो। इसमें क्या क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा जब इसका अनबॉक्सिंग करूँगा तब। और सबसे बढ़िया जो है ये माइक, इस माइक के फीचर्स आपको तो अभी मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। और इस माइक में क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सब आपको आगे देखने मिलेगा। तो अभी हम जो हमने लिए प्रोडक्ट्स उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं अभी अनबॉक्सिंग। वाह। सो इनके कैमरे का हमने अनबॉक्सिंग किया था वियतनाम में, और उनका वो वीडियो आपने देखा रहेगा, पर अभी यहाँ का हम देखने वाले हैं कि क्या क्या है। तो इसमें मिला हमें ये बैटरी हब, फिर ये है एक्शन 4 का केस, फिर टाइप सी टू टाइप सी केबल, उसके बाद ये माउंट लगाने के लिए ये कुछ बोल्ट्स, और ये रहा हमारा एक्शन 4 कैमरा। वाओ, ये देखिए फाइनली आ गया है हमारे हाथों में DJI Action 4। सो इसके साथ करेंगे, साथ में करेंगे DJI Action 4 DJI Action 4 और ये है स्टिक है जो काफ़ी बढ़िया है, इसको भी आप ना ऐसे ओपन कर सकते हो, इस तरह ये स्टिक ओपन होती है, बड़ी स्टिक है ये। सो ओवरऑल ना अभी हमारे पास बॉक्स के अंदर ना सब ये कुछ है, ये है उसकी जन्म कुंडली और ये है बॉक्स। और बाकी बात करें तो इसके अंदर भी आपको कुछ माउंट्स मिलेंगे, कुछ उसके जो स्टिक करने वाले जो ऑप्शन है मैग्नेटिक वाले वो मिलेंगे, और फिर उसके बाद अभी हम करने वाले इसको ओपन। सो फाइनली अभी हमारे माइक का हो रहा है यहाँ पे अनबॉक्सिंग। सो बॉक्स ओपन करने के बाद आपको मिलेगा एक पाउच फाइनली। ओके, सो क्या क्या है इसमें, अभी हमारा ये ट्रांसमीटर DJI माइक ट्रांसमीटर। सो बेसिकली आप देख सकते हो ये जो है ट्रांसमीटर ये इतना अच्छा बना है कि इसके अंदर क्या क्या है आप देख सकते हो, और वही थोड़ा अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है कि ये क्या क्या है अंदर, कभी हमने ऐसे देखा नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांसमीटर। हाँ, ये यहाँ पे उसका माइक है, माइक के ऊपर यहाँ पे आप 1.5 कैट भी लगा सकते हो, जो कि ये 1.5 कैट है, और इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे पुश करना है और फिर प्रेस करना है और इसके साथ भी है ये केबल। सो बेसिकली यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है, और ये मेरे माइक के अंदर से मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो मेरा वीडियो ये हो रहा है 4K 60 FPS में, अगर आपने रिकॉर्डिंग ऑन किया 4K 60 में तो आपको आगे वाला जो प्रीव्यू है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये था हमारा एक सैम्पल वॉइस जो कि हमने अभी चेक किया है यहाँ से, और इसके बाद अगर आपको हेलमेट में कैसे आप उसको यूज़ कर सकते तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। सो गाइस मैं अभी आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ना आप हेलमेट के अंदर कैसे फिट कर सकते हो। मेरा हेलमेट आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे फिट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद सो आपको ये जो दिख रही है ये पट्टी है, इसके पीछे हम डालेंगे हमारा ये मैग्नेटिक क्लिप, और फिर आगे हम रखने वाले हैं इसको ऐसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये माइक फिट हो चुका है, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरह यहाँ पे फिट हो चुका है, लेट्स सी थोड़ा इसमें राइड करेंगे और आपको फिर इसका एक आउटपुट दिखाऊंगा। तो मिलते हैं मोटो व्लॉग में।
सो गाइस अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे जो दूसरे वाले हेलमेट से जो कि लाइक मोटोक्रॉस और दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आपको आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है वो आप ज़रूर बताना। और सेम मैंने हेलमेट के अंदर माइक लगाया है, वायरलेस माइक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आगे कोई वायर लगा ही नहीं, कोई ये नहीं है, मतलब माइक लगाने का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट वायरलेस माइक के साथ ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पे। सो इस पर मैं आपको अभी हाई स्पीड भी सुनाऊंगा कि कैसे है। तो बेसिकली अभी मैं वो 50 के स्पीड पे, और 50 के स्पीड में ये आवाज़ आ रही है। इसके बाद अभी मैं वो 60 के स्पीड में, तो इस 70 के स्पीड में ये आवाज़ थी। सो 32 बिट फ्लोट ये जो ऑप्शन इसमें है उसके अंदर अगर मैंने चिल्ला के बात की तो भी वो आवाज़ कम लेगा, मतलब उसको लेवल कर लेगा। जैसे कि मैंने बोला हेलो गाइस, ऐसा मैंने बोला हेलो गाइस, तो भी वो कम में ही लेगा। लोग ऐसे चिल्लाएंगे तो बोलेंगे क्या चिल्ला रहा है ये। सो आपने अभी जो ऑडियो सुनी है वो हमारे इस माइक के थ्रू थी। अभी हम आपको इस माइक को ऑफ करके बताएंगे। तो माइक ऑफ हो गया है और यहाँ पे हमारा मैसेज आया था कि DJI ट्रांसमीटर 2 डिसकनेक्टेड। तो बेसिकली अभी हम जो हमारा वॉइस सुनने वाला है वो है हमारे DJI एक्शन 4 के अंदर से। सो बेसिकली हमारा ये अभी जो वीडियो शूट हो रहा है वो है 4K 60fps और हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग, ओनली सपोर्ट सिंगल स्क्रीन प्रीव्यू DJI एक्शन 4। तो ये रहा हमारा एक वॉइस सैम्पल। सो मेरा मेन रीज़न था ये कैमरा और ये माइक लेने का, वो है मोटो व्लॉग करने के लिए। अगर आप बारिश में अगर आप GoPro से व्लॉग करोगे तो आपको पता ही होगा ये हमारा जो मीडिया मोड है ये कुछ आता है 7,500 का। उसके बाद उसके अंदर आगे हमें माइक लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये अंदर जाएगा, अंदर माइक भी वो थोड़ा गीला होने के बाद उसका आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये पूरा जो अगर समझो भीग गया तो ये 7,500 का खर्चा अलग से। उसके बाद जो कैमरा की वाटरप्रूफिंग है वो भी निकल जाती है। तो लाइक कैमरा और माइक एडाप्टर दोनों गया, माइक एडाप्टर हो गया या फिर मीडिया मोड हो गया, ये दोनों हो गया, तो ये दोनों खर्चा बहुत महंगा करता है। इससे अच्छा अभी के लिए मैंने जो इन्वेस्ट किया है, मतलब अभी के लिए नहीं, ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि तो इसका एक है कि आप ना इसको -20 डिग्री तक आप इसको लेके जा सकते हैं। और ये अगर आप 4, 5 या फिर 0 तक जाने के बाद ये आपका लाइक सपोर्ट देना बंद कर देता है। इसकी बैटरी भी कभी कभी डैमेज हो जाती है उसके अंदर, तो ये मुझे तभी मतलब यूजफुल हुआ, वहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर बहुत कम था तभी भी ये कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहा था। तो ये एक एडवांटेज है इसका यूज़ करने का। और प्लस सो अगर आप मोटो व्लॉगर हो, अगर आपको बारिश में राइड करनी है पर आपके पास GoPro है और मीडिया मोड है या फिर माइक एडाप्टर है, तो उसके साथ आप लाइक व्लॉगिंग करना आपको थोड़ा डिफिकल्टी होती है। सो अगर आपका बजट है तो आप ये एक्शन कैमरा और ये DJI का माइक 2, मतलब DJI एक्शन 4 और DJI माइक 2 ट्रांसमीटर, ये दोनों आप ले सकते हो। ये दोनों का आपको चार्जेस गिरने वाला है। सो ये आपको आएगा 35 तक और ये आपको आएगा 12.5-12 तक। तो कुछ इस तरह आपका कुछ 47,000-48,000 तक आपका ये बजट जाने वाला है। सो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर लिया तो आपको आगे पूरे जो मॉनसून में आपको जो राइड्स करनी है उसके राइड्स में आपको बेफिक्र होकर आप राइड कर सकते हो। आपको सिर्फ माइक को ही वाटरप्रूफ करना है, आपको यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक के थ्रू, जैसे कि अगर मैं आपको एक सैंपल देता हूँ, जैसे मेरे पास ये माइक है, ठीक है, और ये प्लास्टिक है। अगर मैंने इसके अंदर ये माइक डाला, माइक डालने के बाद इसको मैंने ऐसे रैप कर दिया और ये मैंने माइक यहाँ पे डाला, इसको मैंने यहाँ से ऐसे रैप कर दिया। रैप करने के बाद ये जो इसका जो पट्टी है, ये जो मैग्नेटिक है, ये मैंने इसके अंदर रख दिया। तो देखिए ये प्लास्टिक के थ्रू भी आप अपना जो माइक है वो बारिश में, ना कि आप मोटर व्लॉग, आप कोई भी नॉर्मल व्लॉग भी कर सकते हो शूट विद दिस माइक। और आप माइक कैसे भी सेट कर सकते हो, आपका जो प्लास्टिक है वही आपका हेल्पफुल है। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका जो माइक है वो प्रॉपर जीप हो, प्रॉपर पैक हो। जैसे कि अगर आपने इसको अगर प्रॉपर पैक किया तो ही ये वाटरप्रूफ रहेगा। तो आपको सिर्फ माइक को ही वाटरप्रूफ करना है और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो अगर आपको कोई जानकारी मिस लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो बेसिकली ये वीडियो यही तक था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सो गाइस अभी हम चेक कर रहे हैं हमारे माइक का यहाँ पे कैसे आ रहा है, अगर हमने प्लास्टिक के इसमें अगर व्लॉग किया तो कैसे आएगा। सो गाइस आपको ये नाइट का ये जो वीडियो है ये कैसे व्यू आपको दिखाई दे रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये व्यू अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको ये कैसा लग रहा है। क्योंकि तो मैं भी 60-80 के स्पीड में ही चला रहा हूँ और अगर कुछ लग रहा है तो मैं और कम हो रहा हूँ स्पीड में। सो गाइस यहाँ का नज़ारा देखिए, सामने जो हो रहा है ये पूरा ना फॉग जमा हो रहा है और आते वक्त भी उसी वैली के अंदर इतने सारे फॉग दिखे थे ना, पर मुझे थोड़ा घाई था इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया। पर अभी अगर बारिश नहीं होती तो शूट करते थे, पर बारिश है तो वो भी नहीं कर सकते। लेट्स सी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ उधर की
और ये देखो बारिश भी आ गई है, इसी बारिश को एंजॉय करते हुए हम जाने वाले हैं घर पे।